हेलो हेलो आवाज आ रहा है छवि बहादुरों का आरके के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है आ जाइए फटाफट गुरु जी भोज कब खिलाइएगा अरे बहादुर अंकित कुमार हैकर छोटू यश बूस्टर संजय चंद्रकांत सारे बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं आइए फिर से ताबड़तोड़ हम लोग सॉल्यूशन डेली शाम को साढ़े सात बजे करेंगे जो रेलवे स्पेशल है अभी हम लोग सुपर फोर्टी फाइव देख रहे हैं और साथ ही साथ जो सुपर थर्टी मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस वो भी अब रेगुलर चलेगा आप लोग बहुत मज़ा कर लिए शादी में घूम लिए एग्ज़ाम दिला लिए एग्ज़ाम दे लिए होली मना लिए अब आप बेहतर ढंग से पढ़िए क्योंकि मेरे शेर बहादुरों एग्ज़ाम के समय तो सब पढ़ता है लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो नई एग्ज़ाम है फिर भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ता हो तो वो सिलेक्शन के अधिकारी बन पाता है तो आ जाओ मेरे सभी शेर बहादुर फटाफट जुड़ो आज हम लोग सुपर फोर्टी फाइव का आ, ये जो मॉक टेस्ट है ये पाँचवा और छठा सेट का रीजनिंग कराएंगे क्योंकि छठा तक मैथ मैंने करवा दिया था अगला सातवां सेट से एक ही क्लास में मैथ रीजनिंग होगा पैंतालीस के पैंतालीस और सुबह में छः बजे जुड़िएगा बीस मैथ बीस रीजनिंग जो सभी एग्जाम्स के लिए कारगर होगा टॉप ट्वेंटी करके एमटीएस के लिए जीडी के लिए एसएससी के लिए साथ ही साथ एसएससी का सुपर थर्टी भी चलेगा फाउंडेशन बुक आने में अभी देर हो रहा है हम भी परेशान हैं पब्लिकेशन को सौंप दिए हैं लेकिन जो न्यू ही जीरो टू हीरो बैच है उसमें मैं पी डी एफ डाल के बिल्कुल पढ़ाते रहूँगा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आ जाओ मेरे शेर बहादुरों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे तहलका मचा दे बस लगातार मेहनत करते चलिए आ आ जाइए मेरे शेर शेरबहादुरु ताबड़तोड़ अंदाज में दो शिफ्ट का रीजनिंग देखूंगा पहले तो हम लोग पांचवा टाइप का मॉक टेस्ट का रीजनिंग देखते हैं पांचवा मॉक टेस्ट का उसके बाद छठा मॉक टेस्ट का सुपर फास्ट एक बार तेजी से सारे बच्चे जम के शेयर कर दीजिए टोपी लगा लिए अब ठीक लग रहे हैं ऐसे थोड़ा सा बिलन टाइप के दिख रहे होंगे नहीं <laughs> चलिए बढ़िया बात है बढ़िया बात है मेरे शेर बहादुरों कितना घंटा क्या पढ़ना चाहिए बस लक्ष्य रखिए और लगातार पढ़िए आ जाइए मेरे बाद अंबेर को क्या लिखा है सत्ताईस लिखा है ब्राउन को चौदह तो ग्रीन को आखिर अंबेर को सताइस लिखा क्यों है देखते हैं जोड़ के एक एम तेरा कोट सभी को याद है ना सबको याद रहना चाहिए एम तेरा बी टू है ई फाइव है और आर अठारह है जोड़िएगा मेरे शेरबहादुरु तेरह एक चौदह दो सोलह पाँच इक्कीस और अट्ठारह इक्कीस और अट्ठारह जोड़ के देखिए इक्कीस में अट्ठारह जोड़िएगा तो उनचालीस उनचालीस यहाँ सत्ताईस लिख रहा नहीं लग रहा है कि नौ तीस सत्ताईस कर दिया है मतलब जोड़ के जो कोड आ रहा है उसके अंकों को गुना कर रहा है तो निश्चित इसमें भी यही चीज़ अपनाया होगा तो इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं जी सात आर अट्ठारह ई पाँच फिर ई पाँच एन चौदह चौदह पाँच उन्नीस और पाँच चौबीस चौबीस और अट्ठारह बत्तीस uh, बत्तीस और सात कितना हो जाएगा फिर से अठारह सात पच्चीस पाँच तीस पाँच पैंतीस पैंतीस चौदह कितना हो जाएगा उनचास यानी कि नौ चौका छत्तीस यहाँ पे होना चाहिए नौ चौका छत्तीस या चार नमा छत्तीस जो भी कहिए अंकों का गुणनफल तो क्या सारे बच्चों का छत्तीस आया क्या सारे शेर बहादुरों का छत्तीस आया मज़ा आया आनंद आया किसी को दिक्कत है किसी को परेशानी है तो बताइए किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए और नहीं है तो सभी को शेयर कर दीजिए जगा दीजिए कि फिर से आगे आर के सर दहाड़ने के लिए और निश्चित रूप से दहाड़ेंगे मेरे शेर बहादुरों बड़ा मज़ा आ जाएगा बड़ा आनंद आ जाएगा सर प्रोफेसर कॉलोनी से क्लास ले रहे नहीं भाई आ जाइए क्वेश्चन नंबर बाईस का राय दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीधा हम लोग निष्कर्ष कथन पे आते हैं कथन कहता है मेरे बहादुरों यहाँ पे कथन कहता है कि कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है कथन कहता है कि कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है तो पायलट अलग हो जाएगा पायलट अलग हो जाएगा नौसिखिया अलग हो जाएगा पायलट अलग हो जाएगा नौसिखिया अलग हो जाएगा तो यहाँ पे कह रहा है हम सभी को कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है पायलट अलग नौसिखिया अलग कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है कुछ नौ सीखिए क्या है खिलाड़ी है अच्छा खिलाड़ी और पायलट में कोई संबंध नहीं हर बार इस बात पे मैं जोर देने का प्रयास करता हूं खिलाड़ी और पायलट में कोई संबंध नहीं है इसलिए इसका हाँ वाला भी निष्कर्ष गलत नहीं वाला भी अब चूंकि ऑप्शन है तो कोई एक ही निष्कर्ष निष्कर्ष नंबर एक क्या है कुछ नौ सीखिए खिलाड़ी नहीं है कुछ नौ सीखिए खिलाड़ी नहीं है यहां पे क्या बोल रहा है कि कुछ नौ सीखिए खिलाड़ी है तो कुछ नौसिखिय खिलाड़ी नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि जब पॉजिटिव है कि कुछ नौसिखे खिलाड़ी हैं तो हो भी सकता नहीं भी कन्फर्म अभी नहीं कुछ पायलट खिलाड़ी है पायलट खिलाड़ी में कोई संबंध नहीं है तो ये गलती ये है दूसरा गलत है पहला अभी थोड़ा मुश्किल है कुछ खिलाड़ी पायलट है कुछ खिलाड़ी पायलट है यह भी गलत हो जाएगा कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है ये कंफर्म सही होगा इसलिए होगा क्योंकि कोई पायलट नौसिखिया नहीं है और कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है तो जो नौसिखिया खिलाड़ी हो जाएगा ध्यान दीजिएगा जो नौसिखिया खिलाड़ी हो जाएगा निश्चित रूप से वो पायलट नहीं होगा क्योंकि कोई नौसिखिया इसलिए कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है मतलब पायलट का कुछ भाग जो है खिलाड़ी नहीं है मतलब कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है ये सही होना चाहिए सर जी आपका टोपी बहुत खूबसूरत लग रहा है हमको दे दीजिए अब जो चीज़ खूबसूरत मेरा लगेगा तुम्हें तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन है कथन अलग से नहीं है तो कोई एक ही ऑप्शन होगा तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा बढ़िया है चले आते हैं मेरे शेरबादरों बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में अगला क्वेश्चन दो सेट हम लोग को ख़त्म करना है अगला कहता है कि सेलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ मतलब इसका मिरर इमेज देखना मिरर इमेज मतलब देखिए यहाँ पर एक दर्पण रख दीजिए अब निश्चित है जो राइट right है वो लेफ्ट बनेगा परसेंटेज है तो पहले इधर का है तो इधर का परसेंटेज बन जाएगा लेफ्ट राइट झुका हुआ रहेगा तो परसेंटेज एक ही गो में इधर है ये है ऑप्शन नंबर दूसरा और कोई आपको लग रहा है तो बताइए मिरर इमेज बोल रहा है तो लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट लेफ्ट का, राइट राइट का, लेप्ट, लेप्ट का राइट, राइट, राइट राइट का सर नींद बहुत आती है अरे भाई हैकर तुम दूसरा की नींद हैक करके भी सो जाता है क्या नींद आएगी नींद आना ये सो करता है कि आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है नींद आएगी लेकिन उस नींद से लड़ना है लड़ना पड़ेगा जो लड़ेगा वही ना जीतेगा जी जो अपने आप से लड़ेगा नींद आएगा पढ़ने का मन नहीं करेगा मन बड़ा खतरनाक चीज है ये हमेशा आलस करेगा और बेकार के काम में आपको खींचेगा पढ़ने पढ़ाई लिखाई जिससे आपकी करियर बन सकती है उसमें तो मन बिल्कुल नहीं लगता उसमें लगाना पड़ता है जिसने अपने आप को साध लिया अपने आप को जीत लिया वो निश्चित है और जीतने के लिए कुछ नहीं करना है माता पिता के संघर्षों को देखिए कि वो कर क्या रहे हैं हमारे लिए निश्चित है आप मोटिवेट रहिएगा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है दूसरा पद डॉग गार्ड तो जैसे कुत्ता रक्षक है तो घोड़ा क्या होगा तो घोड़ा हमको लगता है सवारी होना चाहिए जैसे कुत्ता रक्षक का, का काम करता है तो घोड़ा सवारी का, का काम करता है बड़े चलो तूफानी अंदाज में दहाड़ते हुए दिए गए विकल्पों से संख्या का चयन करें जो दिए गए आबियो में प्रश्न चीं के स्थान पर तो ये सब सोचने लायक -like क्वेश्चन है सोचिए सोचिए मेरे शेरबहादुर सोचिए ये सब सोचने लायक क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए वाट के स्थान पर तो आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए चौदह और आठ बाईस जैसे यहाँ पे देखिए बारह छः अठारह नहीं ऐसे नहीं हो रहा है ओह बीच वाला तो नहीं ऐसे हो रहा है ये आपको नहीं देखिए चौदह और आठ कितना रहा 22 हो रहा है बाईस हो रहा है बारह दस कितना हो रहा है बाईस हो रहा है दस चार कितना हो रहा है चौदह हो रहा है और ये भी चौदह ही हो रहा है आठ दो कितना हो रहा है दस छः चार कितना हो रहा है दस तो यहाँ पे जैसे कि चौदह और बारह जोड़ के कितना हो रहा है छब्बीस तो ये दोनों जोड़ के भी छब्बीस से होना चाहिए यानी यहाँ पे सोलह यदि दे दिया जाए कि दस है तो यहाँ पे सोलह होना चाहिए बाट के जगह पर सोलह दे दिया जाए तो काम हो जाएगा क्योंकि बीच वाला जोड़ के वही हो रहा है जो लेफ्ट राइट जोड़ के हो रहा है बीच वाला जोड़ के वही हो रहा है जो लेफ्ट राइट जोड़ के हो रहा है यानी सोलह हो जाएगा तो ये सब रटा हुआ चीज नहीं है लगातार प्रैक्टिस में रहिएगा तो निश्चित रूप से आ, मतलब कि लगातार प्रैक्टिस में रहिएगा मेरे शेर बहादुरों तो निश्चित रूप से आप में स्पीड कॉन्फिडेंस और प्रजेंट ऑफ माइंड भी बेहतर हो जाएगा बढ़िया है सर फास्ट करिए डांस देखने जाना है लोग उसको डांस देखने जाना है तुझे बात चार संख्या युग्मों में से तीन किसी तरीका से समान है और एक असंगत है तो नहीं लग रहा है कि चार के क्यूब चौंसठ होता है चार के क्यूब ही छः के क्यूब ही नौ के क्यूब यह सात का क्यूब नहीं सात का क्यूब जो होता है वो होता है तीन सौ तैंतालीस जो कि नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा है जो डिफरेंट है क्यूब स्क्वायर ये सब याद रखने से वही अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ब्लड रिलेशन वाली बात है मिलेगी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न का उत्तर दे जो आगे दिया गया है कथा तो आई जे के एल एम और एन हॉकी खेल रहे हैं बहुत बढ़िया है बात है ये पजल टाइप का क्वेश्चन है ध्यान से आई और एम बहने हैं आई और एम जो है क्या है बहन है ये एक दूसरे की बहने हैं ई भी माइनस ई भी माइनस और एन और एम भाई है एन एम का भाई है तो एम का भाई है तो निश्चित है ये दोनों का भाई होगा क्योंकि आई एम बहने का भाई है आई एम बहने हैं एन एम का भाई है के आई के चाचा का पुत्र, के आई के चाचा का पुत्र है मतलब चचेरा भाई आई के चाचा का एकलौता पुत्र है मतलब आई का चचेरा भाई हो गया के जो है आई का चचेरा भाई हो गया जे और के जे और एल के के पिता के भाई के के पिता के भाई कौन कौन जे और के के, के पिता के भाई के पुत्र हैं जे और के क्या है जे और एल के के पिता के 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 पिता के भाई के पुत्र हैं K के पिता के भाई मतलब जे इसका चचेरा भाई कौन कौन जे एंड के इसके पिता के भाई मतलब चचेरा भाई तो पूछ रहा है क्या के एम से किस प्रकार संबंधित है तो बोले सर सिंपल सी बात है के एम से तो के जब आई का चचेरा भाई है तो एम का भी चचेरा भाई है लेकिन एम में से लगा तो आंसर चचेरा भाई ही होगा बोला के एम से किस प्रकार संबंधित है तो एम चचेरी बहन हो जाएगी तो चचेरा भाई होना चाहिए तो चचेरा भाई वही क्या है यही होना चाहिए चचेरा ममेरा चचेरी फुफेरी जो भी है भाई बहन यही ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर एक होना चाहिए ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर एक बड़े चलो तूफ़ानी अंदाज में बड़े चलो तूफ़ानी अंदाज में मेरे शेर बहादुरों अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है आज हम लोग दो शिफ्ट रीजनिंग देखेंगे क्योंकि टाइप मॉक टेस्ट पाँच और मॉक टेस्ट छः का हम लोग सिर्फ मैथ देखे थे आज रीजनिंग देखते हैं फिर टेस्ट सात से अगले क्लास में हम लोग मैथ रीजनिंग पूरे का पूरे पैंतालीस देखेंगे सुबह में बीस मैच बीस रीजनिंग देखेंगे साथ ही साथ सुपर थर्टी एस एस स्पेशल देखेंगे शाम में भी अल्टरनेट सुपर थर्टी रेलवे स्पेशल देखिए किसी विशेष कूट में महाराजा को कुछ लिखा है आखिर क्या लिख रहा है ये तेरह है तेरह छब्बीस हो गया एक है एक में तेरह जोड़ेंगे चौदह हो गया आठ में तेरह जोड़ेंगे इक्कीस हो जाएगा तेरह तेरह जोड़ते जा रहे हैं आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको लगेगा कि तेरह तेरह जोड़ते जा रहा है तो आप भी तेरह तेरह जोड़िए तेरह जोड़िएगा अठारह में तेरह जोड़िए अठारह में तेरह जोड़िएगा मेरे इकतीस होगा मेरे बहादुर इकतीस को छब्बीस और पाँच लिख सकते हैं क्योंकि छब्बीस जेड है फिर सत्ताईस ए होगा अट्ठाईस बी उनतीस सी इस प्रकार से तो पाँच देखिए अठारह है अठारह पाँच अठारह तेरह इकतीस इकतीस मतलब छब्बीस और पाँच यानी ई हो जाएगा ए इसमें ई एक है एक में तेरा जोड़ेंगे तो कितना चौदह चौदह मतलब एन हो जाएगा उसके बाद ई नौ है नौ में तेरह जोड़ेंगे 19, मतलब भी हो जाएगा तो ई एन भी उसके बाद में ये चौदह चौदह में तेरह जोड़ेंगे सताईस ए हो जाएगा ई एन भी ए तो उसके बाद ये चार है चार में चौदह जोड़ेंगे अठारह मतलब आर हो जाएगा सॉरी चौदह में तेरह जोड़ेंगे सत्रह सत्रह मतलब क्या हो जाएगा ई कितना है चार तेरह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सत्रह सत्रह मतलब क्यू हो जाएगा अब ई एन भी ए क्यू ई एन भी ए क्यू ई ऑप्शन है ई एन भी ए क्यू उसके बाद ई e आ जाएगा बी आ जाएगा सी आ जाएगा आप जोड़ के देख लीजिए आप जोड़ के देख लीजिए जोड़ के आप देख लीजिए मेरे शेर बहादुरों सर ये क्लास रोज होगी बिल्कुल होगी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कंपटीशन क्लासेस वाले भैया बिल्कुल रोज होगी साढ़े सात बजे तूफानी अंदाज में जुड़ना है बहुत छुट्टी मार लिया बहुत घूम लिया अब साढ़े सात बजे डेली शाम में सुबह में छह बजे जुड़ना है लाइव तो जुड़ना है सिलेक्ट द मीर इमेज ये मीर इमेज है किसका uh, मान लीजिए यहाँ पर एक मीरा तो बाई तो बाई उल्टा तो ये तो होगा नहीं यही दोनों बाई के बाद आर 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 उल्टा ठीक है एल तो एल ये तो होगा नहीं ए आ गया है एल ही दोनों में उल्टा है ए के बाद ए आई नीचे में भी है तो ये भी कट गया तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर दूसरा बस जो राइट बन रहा है उसको लेफ्ट से बनाते चलिए इजी वे में बढ़िया है मजा है पंकज पाटिल फ्रॉम मुंबई बहुत बढ़िया शाबाश अलग अलग जगहों से बच्चे जुड़ रहे हैं अपने अपने इलाके में शेयर करिए सबको जगाइए कि भांग का नशा छोड़ो पढ़ाई करो निश्चित है सिलेक्शन मिलेगी ठीक है मैं फिर से बोलूंगा मेरे बहादुर के एग्जाम के समय में कोई भी पढ़ सकता है लेकिन जो एग्ज़ाम नहीं भी हो और शिद्दत से पढ़े उसका सिलेक्शन होता है यहाँ भी एक अर्थ प्लस है तो क्या दिक्कत है जहाँ पे ए है प्लस दीजिए तो पहले भी दे दिया एस का अर्थ माइनस एम का अर्थ गुना है डी का अर्थ भागा है और बी का अर्थ ब्रैकेट है मतलब बी जहाँ पर है वहाँ पर ब्रैकेट तो बी के बदले आप ब्रैकेट दीजिए सात सौ है ए के मतलब क्या है तो ए के मतलब प्लस है तो प्लस दीजिए एस के उसके बाद कितना है प्लस के बाद एक सौ दस है एस का मतलब माइनस है तो यहाँ पर माइनस दीजिए यहाँ पर प्लस दिए माइनस दिए उसके बाद नब्बे है एम एफ के मतलब क्या है एफ का अर्थ है ब्रैकेट बंद एफ जहां पर है तो ब्रैकेट बंद करिए कर दिए उसके बाद में डी का अर्थ क्या है डी का अर्थ है भागा तो भागा दे दीजिए यहाँ पर डी है तो भागा दे दीजिए भागा दे दिए उसके बाद फिर बी है बी है बी का अर्थ फिर ई वाला ब्रैकेट हो जाएगा देखिए ना बी का अर्थ ही वाला ब्रैकेट हो गया इसका मतलब फिर नव है फिर एम का अर्थ गुना है तो गुना करिए यहाँ पर गुना दस है एस का अर्थ क्या है का अर्थ माइनस है तो यहाँ पे माइनस करिए दस एफ का अर्थ ही बोला ब्रैकेट ठीक है तो सब कुछ सजा लिए आप कैलकुलेशन करिए यहाँ पे मेरे बाद आठ सौ दस आठ सौ दस में से नब्बे घट गया तो सात सौ बीस बच जाएगा आठ सौ दस में से नब्बे घटेगा तो सात सौ बीस बच गया और बटा नौ दहे नब्बे नब्बे में से दस घट गया तो अस्सी बच गया काटेंगे आठ से अठनवे आठ बहत्तर फाइनली हम सभी का कैलकुलेशन करके आंसर न हो तो ये सब क्वेश्चन कोई बात नहीं है बहुत आसान है सबसे बन सकता है सबसे बन सकता है मेरे शेर बहादुर ऐसा कोई नहीं है जिससे कि नहीं बन सकता है बिल्कुल बन सकता है सबसे बन सकता है इसलिए भी सब छोड़ देता है कि सभी जी है लेकिन प्रैक्टिस करिए ताकि स्पीड बढ़े सर जी मैडम का जीके क्लास का है बंद कर दिए तो मैडम से अब पूछना पड़ेगा भाई ठीक है ना वो व्यस्त हो जाती हैं टाइम नहीं मिल पाता है उनको ठीक है ना घर में खाना बनाना बच्चा को भी देखना और प्लस ड्यूटी भी करना है उनको अपना स्कूल में ठीक है तो प्रयास हम कर रहे हैं कि रात में नौ बजे वो टाइम निकालें बल्कि आधे घंटा कुछ तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए आगे बढ़ते हैं शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है बहुत बढ़िया बात है भगवान करे सबका शादी हो जाए शांति की बेटी चांदनी है मतलब आप समझ सकते हैं शांति है कोई इसकी बेटी है कौन चांदनी इसकी शादी किससे हुई है अभी से अभी मतलब अभी जो है चांदनी का पति है प्लस तो ही माइनस अच्छा आंचल की शादी शांति के नाती पोते साइंडी से हुई है अब शांति के नाती या पोते साइंडी साइंडी नाती या पोते जो भी कहिए नाती या पोते किसकी शादी हुई है आंचल की शादी हुई है आंचल आंचल की शादी हुई मतलब आंचल जो हो गई इसकी पत्नी हो गई किसकी साइंडी की अच्छा अब कहता अभी का नाती पोता करण है अभी का नाती या पोता करण है या निचला पीढ़ी में जाएगा अभी का नाती या पोता करण है नाती बोलिए चाहे जो भी बोलिए या पोता जो भी बोलिए कौन है करण है करण की मां है करण की मां है अच्छा रश्मिकरण की माँ है सौर्य आंचल का पुत्र है आंचल का पुत्र है को सौर्य आ गया सौर्य आंचल का पुत्र है तो सौर्य और करण का क्या संबंध है शौर्य और करण अब थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा सौर्य और करण का संबंध ये तो निश्चित है कि अभी का नाती या पोता करण है ठीक है और शांति का बाल बच्चा ये सब है और इसका नाती पोता सैंडी है ठीक है तो निश्चित है इससे तो ऊपर ही इसका होगा ऐसे इसका नाती पोता मतलब ये सबका भतीजा भतीजी होगा इससे ऊपर ही इसका दर्जा होगा तो इसका नाती पोता करण है और आंचल का पुत्र सैंडी ता आंचल भी तो ये अभी और चांदनी का ही बाल बच्चा में से कोई होगा क्योंकि इसका नाती है तो निश्चित है इस सब में चचेरा ममेरा का रिश्ता होगा चचेरा ममेरा का रिश्ता होगा चचेरा ममेरा का रिश्ता होगा तो यहां पे हम कह सकते हैं चचेरा ममेरा मौसेरा भाई बहन चचेरा ममेरा मौसेरा बहुत सारा बच्चा तो ऐसे ही देख के देखिए सुपर फास्ट तो चलेंगे ही मेरे बहादुरों लेकिन कुछ तो धैर्य बना के रखना होगा तो चचेरा ममेरा सारे बच्चे आंसर मार दिए कोई दिक्कत कोई परेशानी है ये दोनों एक ही पीढ़ी में चल गए तो ये चचेरा ममेरा में आ गए दोनों एक ही पीढ़ी में चल गए आगे बढ़ते हैं सारे बच्चे लाइक करेंगे लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है किसी को इसी में आ जाइए मेरे लाड लू आ, कर क्या रहा है जेड वाई एक एक घट रहा है क्या जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी तो निश्चित तो यहाँ पे यू हो जाएगा उसके बाद ए बी सी डी ई तो यहाँ पर एफ हो जाएगा यू के बाद एफ इसी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर चौथा चलिए और सुपर फास्ट चल दें चलते हैं इसका तो पीडीएफ मिल ही रहा है ना सोल्यूशन पीडीएफ सेलेक्ट द फिगर दैट कैन कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वाट के जगह पर क्या आएगा तो एक चीज आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा देखिए ये जानते हैं एक भूजा दो भूजा तीन भूजा चार पाँच पाँच छ सात आठ ये अष्टभुज है या अष्टभुज है? और इसमें फिगर कह गो एक दो तीन चार पाँच छ सात फिगर है तो और इसको देखिएगा तो एक दो तीन चार पाँच छ सात ये सप्तभुज तो है और अंदर में फिगर छो है आई पंचभुज है ये क्या है पंचभुज तो निश्चित है यहाँ पर सष्ट भुज होना चाहिए भुजा नहीं यहाँ पे आठ भुजा यहाँ सात भुजा यहाँ छह तबे न यहाँ पांच भुजा तो ष्टभुज तो होना ही चाहिए इस प्रकार का कोई फिगर साथ ही साथ में अंदर में पांच फिगर होना चाहिए तो देखिए तो हमें नहीं लग रहा है सी होगा षष्टभुज भी है पांच फिगर भी बोले पांच फिगर तो यहाँ भी है तो लेकिन सष्टभुज नहीं एक दो तीन चार पाँच सप्तभुज हो रहा है तो सस्त भी होना चाहिए पांच फिगर भी होना चाहिए तीसरा ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन होगा आप बढ़िया से देखिए तीसरा ऑप्शन होगा बढ़िया से देखिए सस्त हो भी होना चाहिए बढ़िया है बढ़े चले तूफानी अंदाज में आगे बढ़े मेरे शेर बहादरों बढ़ते मजा आ रहा है आनंद आ रहा है बी कैसे आंसर होगा बी कैसे आंसर होगा एक दो तीन चार पाँच छः तो है लेकिन इसमें एक दो तीन चार पाँच छ मतलब चार दो छः है जबकि जितना भुजा उससे एक कम है जितना भुजा उससे एक कम है तो यहां पे सी होगा मेरे बहादुरों बड़े चलो तूफानी अंदाज में आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौतीस किसी विशेष कुट भाषा में एक्सेस को कुछ नहीं लिखा है बाबू ए को एक लिखा है सी को तीन लिखा फिर सी को तीन लिखा ई को पांच लिखा है एस को उन्नीस और एस को उन्नीस मतलब जो कोड है वो लिख दीजिए आप कोड जानते हैं क्या होना चाहिए है ना तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए ई का पांच होगा एक्स का चौबीस होगा तो ई दोनों तो होगा नहीं सी का फिर तीन होगा ई e का पांच होगा एल का बारह होगा देखिए ना बावन तैतालीस पांच सौ बारह कोई ऑप्शन है बावन तैतालीस पाँच सौ बारह निचला ऑप्शन है आप देखिए बढ़िया से बावन तैतालीस पांच सौ बारह निचला ऑप्शन है इस सब में क्या करना है ध्यान से देखना है नहीं देखोगे ध्यान से गड़बड़ हो जाएगा ध्यान से नहीं देखोगे एक लेटर भी ऊपर नीचे हो गया गड़बड़ हो जाएगा बड़े चलते हैं तूफानी तो अंदाज में किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पे नहीं ना बड़े हैं? आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों क्वेश्चन नंबर पहुंच गया पैंतीस उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पास से वही संबंध है जैसे टिड्डी कीट वर्ग का है तो लकड़बग्घा किस वर्ग का? का है स्तनपाई सरी सिर्फ भयचय शाकाहारी हमें लगता है स्तनपाई वर्ग का है

भाला है कौटा पुल्ट है पिस्टल है राइफल है तो इससे रिलेटेड कौन हो सकता है तो बोले सर तोप तोप लड़ाई बंदूक तो है तो बोले कि सर भाला कैटल पुल पिस्टल राइफल ये सब किसके अंतर्गत मतलब किस वर्ग का वर्गीकृत किया जाता है तो नहीं आपको कह सकते हैं कि हथियार के अंतर्गत आएगा यह हथियार के अंतर्गत आएगा बाकी तोप भी तो उस वर्ग में आ जाएगा बंदूक भी उस वर्ग में आ जाएगा लेकिन ये सब मिलके क्या कहलाएगा तो ये सब मिलके हथियार कहलाएगा ये भी आपको देखना है ये सब मिलके हथियार कहलाएगा बड़े चले चलिए आगे बढ़ते हैं भाई जमशेदपुर से धनंजय जुड़ गए हैं पर नाम स्वीकार है सारे बच्चे को शेयर करिए अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है पहले समझते हैं हम लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ लीजिए जिसको पढ़ना है हम इसको ऊपर करेंगे क्योंकि आपको हिंदी से ही समझना पड़ेगा तो इसको हम लोग ऊपर करते हैं पानी पी लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है समझिएगा ये पजल टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए तरियु पिंकी तनीषा और ममता चार दोस्त हैं बहुत बढ़िया है जो जे कॉलेज में पढ़ते हैं दो जे कॉलेज में पढ़ते हैं आप जे कॉलेज में दो पढ़ते हैं लेकिन कौन कौन पढ़ते हैं पता नहीं है लेकिन जे कॉलेज में दो लोग पढ़ते हैं एक्स कॉलेज कॉलेज और ए में प्रत्येक में एक एक एक्स एक्स कॉलेज में एक पढ़ते हैं और ये सब कॉलेज का नाम है एक पढ़ते हैं कौन कौन पढ़ते हैं है। है ही पता नहीं प्रत्येक एक, एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक ऐसा है जो सभी विषय में अच्छा है इस लाइन को पढ़िए प्रत्येक एक, एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है कोई एक विषय में और कोई एक है जो सभी विषय में अच्छा है विषय अंग्रेजी विज्ञान गणित और कंप्यूटर है कॉलेज में पढ़ने वाले में से एक गणित किस्म है जे कॉलेज में जे कॉलेज में।, में पढ़ने वाला कोई एक है जो गणित में तेज है उसका गणित अच्छा लेकिन ये बंदा कौन है पता नहीं है अच्छा और दूसरा सभी विषय में जबकि तनीसा ए कॉलेज में पढ़ती है अच्छा एक गणित में है और इस सभी विषय में है लेकिन ये है कौन दोनों पता नहीं है जे कॉलेज में दो व्यक्ति पढ़ता है ये तो कंफर्म हो गया एकदम बढ़िया से समझिए जे कॉलेज में दो व्यक्ति पढ़ता है उसमें से एक गणित में अच्छा है दूसरा सभी में अच्छा है लेकिन है कौन पता नहीं है ठीक है अच्छा आगे बोलता है कि तनिषा तनिषा ए कॉलेज में पढ़ती है तनिषा ए कॉलेज में पढ़ती है तनिषा एक कॉलेज में पढ़ती है तो निश्चित है तनिषा तो सर पूछ क्या रहा है पिंकी गणित में अच्छी है तो कन्फर्म है कि पिंकी यहाँ पर होगी लेकिन पिंकी यहां भी हो सकती है क्योंकि ये सभी विषय में अच्छी है अभी फिलहाल लिख दें सरयू विज्ञान में अच्छा नहीं है तो कन्फर्म है कि सरयू यहां पर होगा नहीं तो सरयू यहाँ पर ही होगा अब सब तो बैठे गया सरयू अब यहीं पे होगा सरयू यहा तो वही होगा ज्ञात कीजिए सभी विषय में कौन अच्छा है तो पिंकी गणित में अच्छी है सरयू एक्स में अच्छा है तनीशा ए कॉलेज में पढ़ती है तो क्या चीज में अच्छी है पता नहीं है विज्ञान में ये अच्छा है नहीं तो इसको हम यहाँ पर भर नहीं सकते तो अब यहाँ पर एक ही नाम खाली है जो कौन है आ, चार नाम बताया होगा ना कौन कौन है देख लीजिए सरयू पिंकी तनीषा और ममता तो ममता नहीं लिखा है यानी कन्फर्म है कि यहां पर ममता होगी ममता यानी ममता सभी विषय में अच्छी है किसी को कुछ कहना है तो बताइए ममता कितना आसान से बन गया ममता सभी विषय में अच्छा है क्या है गलेरिया कौची कोची बोल रहा है जी सर हम लोग को बारी बारी से बोर्ड पे बुला के बनवाइए और नहीं बनाएगा तो डंडा से मारिए धान के खेत में दौड़ा दौड़ा के एगो के से ए, क्या है सिकंदर कुमार को साउंड नहीं आ रहा है और भी कोई बच्चे हैं जिनको साउंड नहीं आ रहा है एक दो ऐसा बच्चा है ना शायद नाम लेने के चलते कमेंट कर देता है क्या कि साउंड नहीं आ रहा है कल हम आपको देखे थे बिहार शरीफ प्लेटफॉर्म पर कुमार राहुल कंग्रेचुलेशन आप हमको देख लिए हम बराबर जाते हैं जी ट्रेन से जाते हैं ट्रेन से आते हैं बड़ा आनंद उठाते हैं मन लगता है तो मिलना चाहिए ढेर बच्चा पहचान रहा था विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगा बहुत बढ़िया बात है तो आपको नहीं लग रहा है कि ई दोनों में नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक है सिर्फ उल्टा है तीर नीचे का है तो तीर ऊपर का हो गया तो ये दोनों में सब कुछ सेम ही रहना चाहिए लेकिन तीर इधर का होना चाहिए पहला है नहीं है हमको लग रहा है दूसरा होना चाहिए और किसी में तो बोलिए कि सर इसमें भी तो हो सकता है लेकिन इसमें तीर तो इधर का है लेकिन देखिए यहाँ पे में में यहां अंदर में वृत्त है अंदर में वृत्त है लेकिन यहाँ अंदर में चतुर्भुज है तो अंदर में चतुर्भुज होना चाहिए तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर दूसरा मिलना चाहिए आप बढ़िया से देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा बढ़िया है बड़े चलो मेरे बहादुरों दहाड़ते चलो सबको जगाओ सबको शेयर करो कि अब शुरू हो गया महातांडव अभी से तैयारी में लग जाओ डेली शाम साढ़े सात बजे यूट्यूब पे सारा काम छोड़ के लाइव जुड़ो क्योंकि लाइव जुड़े हैं तो आपका रूटीन बन जाएगा आपको मजा आएगा आपका आनंद आएगा और बच्चे बोलते हैं कि सर हमें स्पीड नहीं आया तो स्पीड क्यों आएगा आप कॉपी पेन लेके बैठिए हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए और डेली लाइव जुड़िए देखिए एक महीना में स्पीड आ जाएगा बोलते हैं स्पीड नहीं आ रहा है चलो आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में अभी विकल्प में शुभ संख्या चयन कर जो निम्नलिखित श्रेणी पे आएगा आपको आठा आठा नहीं हो हो रहा रहा तो तो देखते हैं बढ़ कितना रहा है है और ये गया दस बढ़ा अठारह से बत्तीस हो गया तो चौदह बढ़ा बत्तीस तो से पचास हो गया तो अठारह बढ़ा आपको नहीं लग रहा है कि पहले दस बढ़ा है फिर चार बढ़ के चौदह बढ़ा है फिर चार बढ़ के अठारह तो अट्ठारह चार यहाँ पे बाईस बढ़ना चाहिए इसमें पचास में जब पचास में बाईस बढ़ेगा तो बहत्तर होना चाहिए यानी वाट के जगह पे बहत्तर होना चाहिए मुझे तो लगा कि वाट के जगह पे बहत्तर होना चाहिए मजा है आनंद है किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी पापा कलाडला नेट स्लो हो गया है कोई बात नहीं है माइथ रीजनिंग फैक्ट्स मेरी बीबी भाग गई है सर मेरी बीबी भाग गई अरे बकलोल ब्लॉक कर देंगे अलवल कमेंट करेगा तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बेईमानो धान के खेत में नहीं भी रहेगा तो भी जबरदस्ती धान पहले बोआएंगे उसके बाद दौड़ाएंगे तुम लोग पढ़ने पर फोकस करो आंसर कमेंट करके डिस्टर्ब कर रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में के स्थान पर आ सकती है उन्नीस से उन्तीस हो गया नहीं लग रहा है दस बढ़ा है उन्तीस से उनसठ हो गया नहीं लग रहा है कि तीस बढ़ा है फिर उनसठ से उनासी हो गया नहीं लग रहा है कि बीस बढ़ा है तो दस बढ़ाए तीस बढ़ाए बीस बढ़ाए तो फिर से दसें बढ़ाइए ना भाई दसें बढ़ाइए तो नवासी हो जाएगा और क्या बढ़ा सकते हैं ऐसी ना बढ़ रहा है देखिए ना दस बढ़ा फिर बीस बढ़ के फिर दस घट के तो फिर दस घट के दस दस तीस बीस तो फिर दस बढ़ा फिर तीस बढ़ेगा फिर बीस बढ़ेगा ये ग्रुपे ना हो सकता है तो यहाँ पे नवासी होना चाहिए ऑप्शन नंबर दूसरा नवासी होना चाहिए ऑप्शन नंबर दूसरा नवासी होना चाहिए ऑप्शन नंबर दूसरा अब आप लोग अपने अपने हिसाब से जो भी मारिए आ जाइए क्वेश्चन इकतालीस बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है मजेदार सा क्वेश्चन है वेन डायग्राम दैट वेस्ट क्या बोल रहा है इसको बेहद अच्छे संबंध से सर्वोत्तम तरीके से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्युनिकेशन है टेलीफोन है लेटर है आपको नहीं लग रहा है कॉम्युनिकेशन मतलब संचार हो गया और टेलीफोन तो आप जान ही रहे तो संचार का दोनों साधन ही है दोनों अलग अलग है हमें लगता है यही होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंतर्गत लेटर भी आएगा टेलीफोन लेकिन दोनों अलग अलग चीज हो गए लेकिन दोनों संचार का ही एक तरीका है बड़े चले तूफानी अंदाज में बड़े अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर बयालीस का था सीता टेक्स एंड ऑटो फ्रॉम हर होम इंग्लिश वाला है देख लीजिए इसको डायरेक्शन का क्वेश्चन है इसका हिंदी यहाँ पे है चलिए अब यहां से आप बनाना शुरू करिए देखिए मजे से ठीक है यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको बनाना शुरू कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा कह रहा है मेरे शेर बाद यहाँ पे कि सीता फतेहपुर एफ में एप पॉइंट का नाम है आपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से एक ऑटो लेती है अच्छा कॉलेज उसको जाना है अंधेरी ए घर एक ऑटो लेती है ऑटोली आप कहता सीधे कॉलेज जाने वाली सीधी सड़क पर जाने के बजाय वहां कोई मोड़ नहीं था ऑटो चालक दस किलोमीटर बाद मुड़ता है और बांद्रा बीच और दाहिनी ओर मुड़ता है यहाँ पे डायरेक्शन सीधे बोल रहा है कि कितनी दूरी शुरुआती यहाँ दक्षिण पश्चिम उत्तर का ये सब डायरेक्शन का प्रयोग नहीं किया है तो देख लीजिए सीता फतेहपुर एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए से तो मान लिया जाए कि उसका यहाँ पे घर है अंधेरी एक घर है अपने घर से एक ऑटो लेती है सीधे कॉलेज जाने वाली सीधी सड़क पर जाने के बजाय जहां कोई मोड़ नहीं था ऑटो चालक दस किलोमीटर बाद मुड़ता है तो सीधे नहीं गया सीधा क्या हुआ कि पहले ही दस किलोमीटर गया दस किलोमीटर सीधा गया मुड़ता है और बांद्रा बीच चौराहे से दाहिनी और मुड़ता है बांद्रा बीच चौराहे से मतलब मुड़ता तो है बांद्रा गया ना बीच है से बीच है से दाहिनी मुड़ा इधर मुड़ा दाहिनी इधर जा रहा है तो दाहिनी मुड़ा मुड़ा लेकिन किधर मुड़ा वो आगे चल के लिखा कंफ्यूज नहीं होना दाहिनी मुड़ा है फिर आठ किलोमीटर जाने के बाद यहां पे आठ किलोमीटर गया आठ किलोमीटर उसके बाद क्या था आठ किलोमीटर जाने के बाद कोलावा टी बिंदु से बाएं मुड़ता है टी बिंदु से बाएं उसी बेकार में लिख दिया डी बिंदु से बाएं तो इन यहां पर मान ले टी बिंदु है तो नीचे जा रहा है तो उसका बायां उधर होगा नीचे जा रहा है तो बायां उधर होगा तो बाएं मुड़ता है फिर 12 किलोमीटर चलता है कितना चलता है मेरे बहादुरों 12 किलोमीटर चलता है अच्छा 12 किलोमीटर के बाद फिर 12 किलोमीटर के बाद डलहौजी बिल्डिंग डी से बाएं मुड़ता है डलहौजी बिंदु डी से यहां पर डलहौजी बिंदु डी है इससे बाएं बाएं मतलब ऊपर आठ किलोमीटर चलता है जितना नीचे आया उतने लगभग बराबर चल जाएगा इसी के बराबर यहाँ पे आठ किलोमीटर आठ किलोमीटर ठीक है इसके बाद एल्फी, बिंदु ई आता है बिंदु ई ई आया ए से दाएं मुड़ता है तो ई बिंदु है इसे दाएं दाएं तो ऊपर जा रहा है तो इधर होगा और चार किलोमीटर की दूरी तय करता है यहाँ पर चार किलोमीटर की करने के बाद फतेहपुरी एफ तक पहुंचता है मतलब ये पहुंच गया ए से अब तक पहुंच गया यदि ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया होता तो सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु से कितनी दू, कम दूरी तय करती तो देखिए ये ऑटो वाला कितना दूरी चला दिया है 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 18 मतलब ऑटो ऑटो वाला कितना चला है ऑटो वाला तो आप जोड़िए 10 8 18 और 12 18 12 30 तीस ठ अड़तीस और चार अड़तीस और चार बयालीस ऑटो वाला चला है बयालीस किलोमीटर और सीधी दूरी कितनी होगी सीधी दूरी कितनी होगी जो देख लो तो सीधी दूरी होगी मेरे बहादुर दस आई बारह है तो ये बारह और चार तो दस हो जाएगा दस बारह बाईस और चार छब्बीस तो सीधी दूरी छब्बीस किलोमीटर होगा तो कितना कम चलता तो छब्बीस में बयालीस घटाइए सोलह किलोमीटर कम सोलह किलोमीटर कम मतलब सीधा ऑटो चलाता तो सोलह किलोमीटर सीधा ऑटो चलाता तो किलोमीटर कम।, तो कम कहीं पर गलती तो नहीं हुआ बढ़िया से देख लीजिए बढ़िया से ध्यान से देखिए समय तो देना पड़ेगा और खास करके ये क्वेश्चन प्रीवियस है जो शुरू वाला नौ सेट हम करवा रहे हैं पिछला बार एल पी टेक्निशियन आलपी पूछता है पजल का लंबा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शन का भी लंबा क्वेश्चन नहीं तो मैं यूथ वाला में डायरेक्शन का एक क्वेश्चन का मैंने सोलूशन दिया था बहुत जटिल जटिल क्वेश्चन पूछा है खास करके एल टेक्नीशियन तो बस यही कहानी है आप सभी बच्चे समझ ही गए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे लाड लो क्वेश्चन नंबर कितना है तैतालीस बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति सत्रह मार्च के बाद बीस के पहले तो ए को क्या याद है सत्रह के बाद यानी अठारह या उन्नीस बीस के पहले यही ना होगा सत्रह के बाद बीस के पहले अठारह उन्नीस अब क्या था जबकि बी को याद है कि पी की नौकरी अठारह मार्च के बाद परंतु बाईस के पहले के तो अठारह के बाद उन्नीस बीस इक्कीस तो मतलब ए का अनुमान है कि पी ज्वाइन किया था अठारह था या उन्नीस को बी का अनुमान है उन्नीस बीस इक्कीस तो इस, इस स्थिति में वही आंसर होता है जो कॉमन होता है दोनों का मिल क्या रहा है उन्नीस तो दोनों को सही मानते हुए नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति संभवता किस स्थिति को हुई होगी उन्नीस मार्च को किस तिथि को हुई होगी उन्नीस मार्च को मजा ही मजा है आनंद ही आनंद है आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर चौवालीस जी का अर्थ जोड़ है तो जी जहां पर है वहां जोड़ दीजिए जी का अर्थ क्या है मेरे शेर बहादुरों जोड़ बोले सर जी यहां पर है जोड़ एच का अर्थ है गुना तो एच एच कहां पर है एच गुना जे का अर्थ है घटाना तो जे कहां पर है यहां पे घटाना तथा के का अर्थ है भाग तो के का अर्थ है भाग मतलब 125 सौ पच्चीस माइनस एक, एक दस, भागा पाँच प्लस सात गुना दो बाकी तो कैलकुलेशन करने में आप माहिर हैं बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ जल्दी से कैलकुलेट करो आंसर दो जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करो सारे शेर बहादुर फटाफट तूफानी अंदाज में बढ़िया है सारे बच्चे किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है नहीं हो रही है तो आगे बढ़ते चलिए ले आइएगा ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन यहाँ भी वही बात है तो ये भी मैं आपको ऑफर ही दे देता हूँ आप देख लो फटाफट पैंतालीस तक ख़त्म यानी हम कह सकते हैं कि जो सेट सेट पाँच है उसका रीजनिंग ख़त्म हो गया किसी को दिक्कत परेशानी है मेरे शेर बहादुरों को दिक्कत परेशानी नहीं है तो एक बार दहाड़िए भाई इसका भी आंसर आप ही को लाना है सिंपल सा कैलकुलेशन है भागा को प्लस कर दीजिए प्लस का माइनस माइनस को गुना और गुना को भागा कर दीजिए तुरंत कैलकुलेट करिए आंसर लाइए कर, कर लीजिएगा किसी को दिक्कत तो नहीं है आ जाइए छठा सेट का अब हम लोग पच्चीस रीजनिंग को तुरंत तुरंत नाश्ते नाबूद कर देंगे और उसके बाद धुआं धुआं करके निकल जाएंगे एकदम सुपर फास्ट सुपर फास्ट बढ़ते हैं आगे मेरे शेर बहादुर क्वेश्चन नंबर इक्कीस से फिर से शुरू हो गया क्योंकि बीस बीस मैच तो हम लोग बता ही दिए थे तो छठा सेट हम लोग चलते हैं। जैसे प, आ, क्या है चार युग्म दिए गए असंगत युग्म को चुनिए पक्षी चहचहाना चा, सही बात सांप फूफकारना सही है शेर दहाड़ना सही है कुत्ते दरवा दरवा क्या है कुत्ते दरवा कुत्ते भौंकना ना होना चाहिए तो यही है जो असंगत है उत्ते भौकना होना चाहिए यही है जो असंगत है मेरे ख्याल से आपके ख्याल से क्या है देखिए आठ सैनिक ये देखिए अरेंजमेंट है इसको मैं इंग्लिश वाले भाग को ऊपर करता हूँ टाइप का बढ़िया क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है तो आप देखिए इसको हल करिए मेरे शेर बहादुर बड़ा ही मजे का आनंदित करने लायक ये क्वेश्चन है आठ सैनिक ए बी सी डी एफ जी एच उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये लेफ्ट हो गया ये राइट right हो गया हम सभी जानते हैं कि जब कतार में सजाना हो तो सबसे पहले दाएं बाएं से रिलेटेड को सजाएंगे जब कतार में सजाना हो तो सबसे पहले दाएं बाएं से रिलेटेड सॉरी सबसे पहले किसी छोर मतलब दाएं या बाएं छोर या किनारे से रिलेटेड वृत्त वाला सजाना हो तो सबसे पहले दाएं बाएं जबकि कतार वाला में किसी छोर को पकड़िए छोर ना मिले तो जैसे क्वेश्चन में बोला एडजस्ट करते जाइए अपने आप मिल जाएगा तो पहले यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करें डी ए के दाए और तीसरे स्थान पर तथा सी के बाई और दूसरे स्थान पर डी के बारे में बोल रहे डी तथा ई के बीच केवल तीन सैनिक बैठे हैं ई तथा एफ के बीच में केवल दो सैनिक है एप बी के बाई और दूसरे स्थान पर ए जी का पड़ोसी एच डी के दाई और बैठा है कहीं पर भी किसी छोर का पता चला नहीं पता चला तो जैसे बोल रहा है वैसे एक अलग लाइन बनाने का प्रयास करिए वो अपने आप मेन लाइन में एडजस्ट हो जाए तो पहले बोल रहा है डी ए के दाई और तीसरा स्थान पे तथा तथा का प्रयोग भी डी ए के लिए होगा d a के दाईं और तीसरे स्थान पर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का मास्टर क्लास बेहतरीन ढंग से दिया जरूर पढ़िए यूट्यूब पे सर्च करके d a के दाईं और तीसरे स्थान पर तो पहले हम a को लिखेंगे इसके दाईं और एक दो तीन यहाँ पर d को लिखेंगे तो d a के दाईं और तीसरे स्थान पर है तथा तथा मतलब d c के बाईं ओर दूसरे स्थान पर तो c को इधर देंगे ताकि उसके बाईं ओर d आ जाए 1 2 देखिए डी ए के दाई और तीसरे स्थान पे हो गया तथा सी के बाई और दूसरे स्थान पे ध्यान से समझिए डी ए के दाई और तीसरे स्थान पे सी के बाई और दूसरे स्थान पे हो गया नो uh, डॉट no. अच्छा डी और ई e के बीच में केवल तीन सैनिक है तो डी और ई e के बीच हम उधर भी ले सकते हैं एक दो तीन छोड़ के या इधर भी एक दो तीन है ये तो हम यहाँ पे लेके देख लेते हैं क्योंकि इधर ऑलरेडी तीन गो है हम जरूरत पड़े तो फिर हम चेंज करेंगे डी और ई के बीच तीन सैनिक तो ई को इधर ले लिया अच्छा पूरा ई और एफ के बीच केवल दो सैनिक है तो देखिए यहाँ पर ले लिए तो फायदा भी हो गया ई और एफ को यहाँ लिख देंगे तो ई और एफ के बीच दो सैनिक हो जाएगा ई और एफ के बीच दो सैनिक हो गया ई और एफ के बीच दो केवल दो सैनिक है एफ बी के बाई और दूसरे स्थान देखिए एफ बी के बाई और दूसरे स्थान पर तो अब कन्फर्म हो गया कि बी को यहाँ लिखेंगे तब ने बी के बाई और दूसरे स्थान पर एफ एफ बी के बाई और दूसरे स्थान पर है एफ बी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा ए जी का पड़ोसी है तो ए जी का पड़ोसी है तो अब जी तो यहीं पर बैठेगा तो सात को तो बैठ गया एच डी के दाई और है तो डी के दाई और अब इधर रेगुलर जगह खाली है तो अब ये इधर है ना एच को दीजिएगा ये नहीं बोला है कि डी के दाई और जस्ट बगल में है डी के दाई होना चाहिए तो फिर अब उधर है क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः सात को तो रेगुलर हो गया तो यही होगा यही एडजस्ट होगा तो पूछ रहा है क्या एच और जी के बीच कितने सैनिक है एच और जी के बीच कितने सैनिक है तो यहाँ जी हो गया मेरे बाद रो यहाँ एच हो गया एक दो तीन चार सैनिक एच और जी के बीच कितने सैनिक हैं तो एच और जी के बीच चार सैनिक हैं एच और जी के बीच चार सैनिक हैं एच और जी के बीच चार सैनिक हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप देख लो बढ़िया से मज़े से आनंद उठाते हुए देख लो अंदाजे आंसर नहीं मारो नहीं तो बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे जो रेगुलर जुड़ा रहेगा वो हर तरह के क्वेश्चन जटिल से जटिल इजी से इजी प्रश्नों से अवगत हो जाए बढ़िया है मेरे बहादुर को दिक्कत परेशानी किसी को तो नहीं है नहीं है तो आगे बढ़िए पैसा रुपया पैसा रुपया में जो संबंध है वही सम्बन्ध आगे तो बोले सर किलोग्राम किलोग्राम क्विंटल रुपया धन मीटर किलोमीटर सेकंड मिनट कौन होना चाहिए तो पैसा रुपया में खास संबंध क्या है क्योंकि सब लगभग किलोग्राम ढेर सा मिलकर क्विंटल बन जाता है मीटर ढेर सारा मिलकर किलोमीटर सेकंड ढेर सारा मिलकर मिनट रुपया ढेर सारा मिलकर धन ऐसे तो क्या हम सोचें तो आपको नहीं लग रहा है कि यदि सौ पैसा रहे सौ तो पैसा मिलता है तो एक रुपया बनता है तो ऐसा ही कोई संबंध यदि हो तो ऑप्शन से देखिए तो आपको नहीं लग रहा है कि सौ किलोग्राम लेंगे तो एक क्विंटल बनेगा तो यही आंसर होना चाहिए सौ पैसा जैसे एक रुपया बनता है वैसे ही सौ किलोग्राम एक क्विंटल बन जाता है ये आपको मालूम रहना चाहिए लेकिन सौ रुपया को धान बोल सकते हैं नहीं भी बोल सकते है। ठीक है ना लेकिन ये एक मापांक है सौ तो मीटर को हम एक किलोमीटर नहीं बोल सकते हैं एक हजार मीटर होता साउ सेकंड को हम एक मिनट नहीं बोल सकते यहाँ पर साठ सेकंड रखना होगा तो ये भी तो ये इससे मेल खाने वाला हमको लगता है ऑप्शन नंबर पहला है इससे मेल खाने वाला ऑप्शन नंबर पहला है किसी को दिक्कत है तो बोलिए मतलब बहुत ज़्यादा मेल खा रहा है वैसे तो बोलिया कि सर साठ सेकंड बराबर एक मिनट नहीं लिख सकते हैं एक हज़ार मीटर बराबर एक किलोमीटर नहीं लिख सकते लिख सकते हैं लेकिन वैसे तो ढेर सारा ऑप्शन हो जाए कोई एक है जो सबसे नज़दीक है आ जाइए इसका तो बस ऑप्शन से चेक करना है भागा को फलना ढिमका बदलिए चेक करिए कि कौन सही है और इसमें कुछ नहीं बारह लाना है ऑप्शन से चेक करो ऑप्शन से चेक करो आपका किस्मत ठीक है पहला ऑप्शन दूसरा भी, भी हो सकता है तीसरा भी हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं इसको तो आप कर ही लीजिएगा बढ़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर आ जाइए क्वेश्चन नंबर पच्चीस एक निश्चित कोड भाषा में स्पाइडर को कुछ लिखा आखिर कर क्या रहा है एस उन्नीस होता है एक घट गया पी सोलह होता है दो घट गया आई से एच एक घट गया डी से बी दो घट गया फिर एक घट गया फिर दो घट गया एक घट रहा है दो घट रहा है एक घट रहा है दो घट रहा है तो आप पहले एक ही घटा दो क्यू से तो पी हो जाएगा फिर यू एक ही सोता है दो घटाएंगे तो एस हो जाएगा पी के बाद एस एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर चौथा किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए नहीं तो आगे बढ़िए तूफानी अंदाज में आ जाओ मेरे बहादुर एक विशिष्ट कोट में लाभ को कुछ लिखा है आखिर लाभ को लिख रहा है एल होता है कितना सोलह दो घट गया फिर यहाँ दो बढ़ गया फिर यहाँ दो बारह दो एल बारह ना होता है बारह दो चौदह दो बढ़ गया पंद्रह दो सत्रह बाईस दो चौबीस पांच दो सात दो दो बढ़ रहा है सब में दो दो बढ़ रहा है तो आपको दो बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग करने की तो जरूरत है नहीं आप भी दो दो बढ़ा दो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा देख लो कौन होगा ऐसे ही तो आंसर लग रहा है ना इसमें दो बढ़ाओगे तो उन्नीस दो इक्कीस यू होना चाहिए यू एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर चौथा क्या शानदार लाजवाब सुपर फास्ट आ जाइए एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा ब्लड रिलेशन एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा वह मतलब ये जो रमन भाई साहब हैं ये एक महिला का परिचय दे रहे हैं महिला का परिचय अब जो भी बोलेंगे महिला के बारे में बोलेंगे तो महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा वह मेरे दादाजी की बहू की बहू है तो दादा जी के बहू मतलब मेरी माँ की बहू मतलब रमन की वो पत्नी हो सकती है या रमन के भाई की भी पत्नी हो सकती है उस महिला का रमन से क्या संबंध है तो रमन की भी पत्नी हो सकती है रमन के भाई की भी पत्नी तो रमन की पत्नी नहीं दिया हुआ तो रमन के भाई की पत्नी मेरी दादा जी के बहू मेरी माँ होगी या चाची जो भी कही फिर उसकी बहू तो मेरी पत्नी या मेरे भाई की पत्नी हो सकती है मजा आया आनंद आया ठीक है बढ़िया है आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में आठ मित्र पी क्यू आर केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके आप देखिए अभी तक आप जो भी पढ़े थे वो आप पढ़े थे केंद्र के अंदर की ओर मुख करके यहाँ पे केंद्र के विपरीत दिशा में मुख किया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे पहले इंग्लिश को छिपा देंगे तभी तो हम लोग को जगह मिलेगा अभी जैसे जैसे बंदा बैठा रहा है क्वेश्चन यहां से हो गया हम लोग इसको पहले एक ब्रित बनाते हैं सबसे बड़ी बात है कि जो वृत्त बनाएंगे उसमें बाहर की ओर लोग बैठना चाहिए दो दो चार दो छ और दो आठ बाहर की ओर अभी तक मैंने आपको वृत्त पढ़ा हालांकि ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार मिला है आप मैथ रीजनिंग मिक्स प्रैक्टिस मेरा जहिन सीरीज टॉप ट्वेंटी बहुत सारे देखे होंगे उसमें इस प्रकार का भी आया है तो आप देखे होंगे कि पहला बात तो यह है कि वृत्त संबंधित यदि सजाना हो तो सबसे पहले दाएं बाएं से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ेंगे ये तो क्लियर है इसके अलावा आप देखिए आपको पता चलेगा ध्यान दीजिए जब यहाँ पे आप बैठे हैं और अंदर की ओर हैं तो इधर राइट इधर लेफ्ट होता है लेकिन जब बाहर की ओर जैसे यहां पे आप बैठे हैं बाहर की ओर तो इधर हो जाएगा लेफ्ट राइट इधर राइट हो जाएगा इधर लेफ्ट मतलब उल्टा हो जाएगा इधर लेफ्ट हो, हो जाएगा इधर राइट हो जाएगा जबकि अंदर की ओर बैठते हैं तो इधर राइट इधर लेफ्ट जबकि बाहर की ओर बैठे हैं तो इधर लेफ्ट जैसे इधर मुंह करके कर बैठा लें इधर लेफ्ट इधर राइट ठीक है बढ़िया से ध्यान से ध्यान से सुनिएगा अब यहां पे देखिए कौन कौन कांड करेगा सबसे पहले दाएं बाएं के से पढ़िए क्यू टी के और और तीसरे तथा के दूसरे स्थान पर दोनों बात क्यू के बारे में बोला क्यू टी के दाई और तीसरे स्थान पर क्यू टी के दाई और क्यू टी के दाई और तो पहले लिख देते क्यू टी के दाई और टी को ऐसा लिखिए लेफ्ट में लिखिए तब ना उसके दाएं होगा

यू और भी के बीच में केवल दो मित्र हैं अब यू और भी को कहां पे रखें कि केवल दो ही हो जाए यू और भी यू और भी यहां पे हो सकता है यू और भी यहां पे अच्छा छोड़िए ये अभी नहीं बैठेगा यू और भी के बीच में केवल दो मित्र है ये बाद में देखेंगे भी पी या टी का पड़ोसी नहीं है अब देखिए भी को भी पी या टी का पड़ोसी नहीं यानी भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए इन नहीं है वाला शब्द को देखिये भी यहाँ नहीं होना चाहिए यहाँ नहीं होना चाहिए भी यहाँ नहीं होना चाहिए यानी कन्फर्म है कि भी यहाँ होना चाहिए क्योंकि भी ना तो पी का पड़ोसी है ना तो टी का पड़ोसी है तो भी यहाँ होना चाहिए अच्छा भी यहाँ हो गया डब्लू आर के दाए और दूसरे स्थान पर है आप सोचिए कि डब्लू आर के दाए और दूसरे स्थान पर है तो हम डब्लू को कहाँ रखें आर के दाए और हो जाए तो बोलिए कि सर आर को यहां रखेंगे तो एक दूसरा स्थान पर तो हो नहीं सकता आर को यहां रखेंगे तो एक दूसरा स्थान पर हो सकता है तो आर को यहां रखेंगे तो इसका दाया इधर ना होगा तो यहाँ पे डब्लू हो जाएगा डब्ल्यू आर के दाएँ यहाँ पर भी हम आर को रखेंगे तो उसका दाया दूसरा स्थान खाली ही नहीं है हाँ यहाँ पर भी आर को रखेंगे तो उसका दाया दूसरा स्थान खाली है तो ये भी हो सकता है तो आर को यहाँ पे रखेंगे तो डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है और भी एक चीज़ और ऊपर हम लोग छोड़ दिए थे यू और भी के बीच केवल दो मित्र हैं अब क्या यू और भी बैठ रहा है ऐसा नहीं बैठ रहा है यू और भी के बीच दो मित्र नहीं बैठ रहा ऐसा है। करते हैं ना आर को हम यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू को यहाँ पे लिखते हैं यू और भी के बीच किसके किसके बीच यू और भी के बीच दो मित्र होगा नहीं होगा तो यही ठीक है यू और भी के बीच केवल दो मित्र बैठे हैं यू और भी के बीच केवल दो मित्र तो तभी ना हो सकता है यहां पर भी है यहां पर यू है भी तो यहां पर बैठी गया भी का लिया यही जगह इधर तो बैठ नहीं सकता तो यही इधर देखिए इधर यदि हम देते हैं तो दो आदमी होगा नहीं तो ठीक है यहाँ पर हम लोग जो लिखे थे ना आर के डब्ल्यू ये भी ठीक है क्योंकि तो भी और यू को भी तो देखना है उसके बीच केवल दो ही लोग हैं ये भी तो देखना है अब यहाँ पे कौन हो जाएगा तो बोले सर एक कोई तो बच ही रहा है पी क्यू आर हो ही गया एस एस नहीं तो एस यहाँ पे बैठ जाएगा एस यहां पे बैठ गया मजा आया आनंद है पूछ क्या रहा है पूछ रहा है कौन सा कथन सही है तो पहला कथन पढ़िए पहला कथन पढ़िए पहले बोल रहा है पी आर के बाई और ठीक बगल में है तो क्या आर के बाई और है नहीं आर के दाई और है पी आर के दाई और है तो ये गलत है तो क्योंकि उल्टा है तो दाया इधर है आगे कहता है एस टी के बाई और ठीक बगल में है क्या एस टी के बाई और है नहीं एस टी के दाई और है टी एस के बाई और है लेकिन एस टी के दाई और है यह भी गलत हो गया आगे बढ़िए डब्लू क्यू के दाई और ठीक बगल में डब्ल्यू क्यू के क्या क्यू के दाई और दाया इधर है डब्ल्यू है बगल में नहीं ये भी गलत तो निश्चित रूप से चौथा सही होगा क्योंकि तीन गलत है तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा देखिए भी एस के बाई और तीसरे ठीक बगल में तभी एस के बाई और एस हो गया एस के बाई और देखिए भी एस के दाई और ठीक बगल में देखिए एस के दाई और है ना भी देखिए भी जो है एस जैसे एस है तो दाया इधर ना चलेगा बाहर है बाहर और मुंह दाया इधर तो देखिए तो भी एस के दाइयों ठीक बगल में नहीं है, है? यानी हम सभी का यही सही है ऑप्शन नंबर चौथा सही है ऑप्शन नंबर चौथा सही है मजा है आनंद है समझना तो पड़ेगा मेरे शेर बहादुरों मेरा कमेंट आ रहा है जा रहा है बिल्कुल आ रहा है जी संदीप राजभर चलो तो बढ़िया कमेंट जा रहा नहीं जा रहा इसके लिए चिंता क्यों करते हो तुम लोग दे गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े तो कथन पढ़िए कुछ चील पक्षी है तो चील पक्षी है कुछ चील पक्षी है चलो ठीक है सभी पक्षी काले हैं सभी पक्षी क्या है मेरे शेर शेरबहादुरु काले हैं कुछ चील पक्षी है सभी पक्षी काले हैं कुछ चील पक्षी है, है सभी पक्षी काले हैं एकदम डायग्राम क्लियर अब आइए कंक्लूजन कुछ काले पक्षी चील हैं कुछ काले कुछ काले पक्षी चील हैं तो पहला तो सही हो गया पहला तो सही हो गया कुछ काली चीजें चील है चीजें क्या होगा ये तो गलत हो गया कुछ काली पक्षी चीज है चील है कुछ काली चीजें चील है कुछ काली चीजें चील हैं तब बाकी काली चीजें है कि नहीं ये हम कैसे कर सकते हैं पहला लेकिन सही है केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है अब कौन चीज है ना यहाँ पे पक्षी का चर्चा किया है कथन में और कोई चीज का चर्चा खास तौर पर नहीं किया तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है देखिए तो ठीक है बढ़िया चकचक है आनंद है दो नंबर से नहीं हुआ और मेहनत करिए हो सकता है उससे बेहतर जगह आपको पहुंचना हो यदि नहीं हुआ तो ये सोच के पढ़िए यदि आपको जॉब ही करना है तो और नहीं तो और बहुत सारे काम धंधे हैं बिजनेस से फलना है ढिमका है चाय बेच के भी लोग करोड़पति बन रहा है हम ये नहीं कर आप चाहिए बेचे लेकिन यदि आपको जॉब करना है तो आप ये सोच के पढ़िए कि हो सकता है मुझे ग्रुप डी से और बेहतर में जाना हो इसलिए और मेहनत करना होगा यदि आपके पास समय है व्यवस्था है स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित पहले तो यही समझ लीजिए कि दे गए आर में वृत्त शिक्षित लोग को कौन किसको डिनोट कर रहा है पहले ये जान लीजिए वृत्त जो है शिक्षित लोग व्यक्तियों को निरूपित करता है त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को त्रिभुज शहरी को निरूपित कर, 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 कर रहा है बहुत बढ़िया है वर्ग मेहनती को निरूपित कर रहा है वर्ग ये वर्ग है ये मेहनती को निरूपित कर रहा है और आयत ईमानदार को निरूपित कर रहा है ये आयत जो है ईमानदार है क्वेश्चन कर रहा है कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित अशिक्षित मतलब वृत्त में नहीं होना चाहिए अशिक्षित के मतलब क्या हुआ कि शिक्षित में नहीं होना चाहिए वृत्त में नहीं होना चाहिए तो वृत्त में नहीं होना चाहिए ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों को करता है जो शहरी नहीं है मतलब वृत्त में भी नहीं होना चाहिए या त्रिभुज में भी नहीं होना चाहिए बाकी ईमानदार और मेहनती होना चाहिए तो देख लीजिए कौन है जो ईमानदार और मेहनती है ईमानदार मतलब इसमें होना चाहिए और मेहनती मतलब वर्ग में होना चाहिए तो कौन है जो वर्ग और आयत में है लेकिन त्रिभुज और वृत्त में नहीं है तो ध्यान से देखिए तो वर्ग और आयत में है लेकिन त्रिभुज और वृत्त में नहीं है वो डी होगा डी वृत्त में भी नहीं है त्रिभुज में मतलब ईमानदार और मेहनती है लेकिन अशिक्षित है मतलब शिक्षित नहीं है और शहरी भी नहीं है तो आप देखिए तो डी होगा डी होगा बढ़िया से गौर करिए डी होगा बढ़िया से गौर करिए मजा ही मजा है आनंद ही आनंद बहुत बढ़िया मेरे शेर बहादुर शाबाश आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर इकतीस शानदार सा क्वेश्चन है दिन का रात से वही संबंध जो ठंड का गर्मी से होगा क्योंकि दिन का रात से अपोजिट वाला संबंध है तो आगे जो पूछ रहा है वही अपोजिट वाला संबंध होगा आगे बढ़िए पे सोचिए सोचने लायक ये क्वेश्चन है सामने गुना कर रहा है जोड़ रहा है तिरछा कर रहा है सोचिए क्या कर रहा है हम सभी को पचास लाना है अठारह आठ आपको नहीं लग रहा कि दोनों गुना करके बत्तीस लाया जाए ये दोनों गुना करके अठारह अठारह बत्तीस जोड़ के पचास आ रहा है लेकिन क्या दूसरा भी यही चीज लागू होगा अठारह पंद्रह पचे पचहत्तर पचहत्तर और अठारह तिरानवे हो रहा है बिल्कुल सही है तो नौछक चौवन सात पछे पैंतीस अब देखिए चौवन और पैंतीस जोड़ के क्या होगा जो देखिए आप चौवन और पैंतीस जोड़ के क्या होना चाहिए देख लीजिए आंसर मारिए जल्दी से फटाफट तूफानी अंदाज में बढ़िया है बड़े चलो मेरे बहादुर आ जाओ कहता है पेंसिल स्टेशनरी नोटबुक आपको नहीं लग रहा है कि दोनों स्टेशनरी के अंतर्गत है लेकिन पेंसिल अलग है नोटबुक अलग है नहीं पेंसिल और नोटबुक अलग अलग, अलग दोनों चीज़ें दोनों स्टेशनरी का है लेकिन दोनों अलग अलग हमें लगता है यहाँ पे बी होना चाहिए आपको क्या लग रहा है अपने हिसाब से बताइए हमें तो बी लग रहा है आपको क्या लग रहा है आपने हिसाब से बताइए मेरे शेर बहादुर का आंसर बिल्कुल सही है दहाड़ते चलिए दहाड़ते चलिए सभी को शेयर करिए जगाइए रोज शाम को साढ़े सात बजे एकदम जागना है सुबह में छह बजे जागना है सुबह में पांच बजे जागे एक्सरसाइज हल्का फलका स्नान ध्यान करके जुड़ जाइए लाइव बड़ा मजा बड़ा आनंद आएगा डेली प्रैक्टिस करते रहिए आनंद ही आनंद है पत्ता गोभी भोजन सब्जियाँ ये तो कंफर्म है मेरे शेर बहादुर पत्ता गोभी जो आएगा पत्ता गोभी वो सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा पत्ता गोभी जो है वो सब्जियां के अंतर्गत आ जाएगा और सब्जी जो है भोजन के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पे डायग्राम ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ये आकृति ए होना चाहिए आकृति ए होना चाहिए पत्ता गोभी सब्जी के अंतर्गत आ रहा है और सब्जी भोजन के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे हम लोग का ऊपर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं सीधा कथन पढ़ेंगे कुछ ब्रश बल्ले हैं कुछ ब्रश बल्ले हैं कुछ ब्रश बल्ले हैं कुछ बल्ले गेंद हैं कुछ बल्ले गेंद है अब हालांकि गेंद और ब्रश में कोई संबंध नहीं है हो भी सकता नहीं भी हो सकता ये ध्यान रखना है आ जाइए निष्कर्ष कुछ ब्रश गेंद है तो बोले सर ब्रश और गेंद में तो संबंध नहीं है हो भी सकता नहीं भी हो सकता है ऐसे पर्सनली गलत लेकिन कुछ ब्रश गेंद है कुछ ब्रश गेंद नहीं है तो यहां पर या करके हो जाए जिसमें कथन में कुछ संबंध है उसका हाँ वाला भी गलत नहीं वाला भी गलत लेकिन जब एक ही चीज के बारे में हाँ और नहीं दोनों बोल दे तो फिर या करके ऑप्शन हो जाएगा तो यहां पर हम सभी का ऑप्शन होना चाहिए क्या ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिया जब कुछ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है पहले बढ़िया से पढ़े कथन क्या कुछ है कुछ ब्रश बल्ले हैं कुछ बल्ले गेंद है तो ब्रश और गेंद में ऐसा तो बोला नहीं है कि हो नहीं सकता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ बरस गेंद है कुछ बरस गेंद नहीं है एक ही चीज के बारे में बोल रहा है कि हाँ, एक ही बारे बोल रहा है नहीं है कुछ बरस गेंद है कुछ बरस गेंद नहीं है कुछ बरस गेंद है कुछ बरस गेंद नहीं है ऐसा बोल रहा है तो यहां पर या करके होना चाहिए जब या वाला नहीं है तो फिर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा कोई नहीं होगा जब या वाला नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा या वाला नहीं है तो फिर कोई नहीं होगा हाँ वाला भी गलत नहीं वाला भी गलत क्लियर हैं तूफानी तो अंदाज में चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए बताएं कि इनमें से कौन से तर्क तो प्रश्न क्या है क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को आप जैसे युवा को प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे होता है ना कि बिजनेस करने के लिए लोन मिल रहा है देखते होंगे आप ऐसा बेरोजगार कार्ड बन रहा है ताकि लोन मिलेगा पाँच लाख दस लाख का बिजनेस कर सकें उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोत्साहन के बारे में तो आपसे पूछ रहा है तो पहला हाँ बे बेरोजगारी के बोझ को कम करेंगे तो ये बात सही है पॉजिटिव है मतलब कि मजबूत तर्क होना चाहिए सही है तो प्रोत्साहित करना का ये सही तरीका बोल रहा है हाँ वे देश के विकास में योगदान करेंगे निश्चित रूप से जैसे कि जब युवा उद्यमी को प्रोत्साहित कर रहे हैं जब युवा उद्यम में आएंगे बिजनेस में आएंगे तो वो रोजगार भी कम होगा जैसे एक युवा बिजनेस में आए वो दस युवा को रोजगार देंगे और जब रोजगार बढ़ेगा तो देश विकसित करेगा सिंपल है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दोनों तर्क एक और दो दोनों ही पुष्ट है 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 तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा होना चाहिए बढ़िया है मेरे लाडलो मेरे बहादुरों आगे बढ़ते चलो तूफानी अंदाज में क्वेश्चन नंबर सैतीस अब मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं एक निश्चित कूट भाषा में ऑफिस को क्या लिखा है हमें लग रहा है ना कि ये दोनों को बढ़िया से आपको नहीं लग रहा है कि एफ को यहाँ लाया ओ को यहाँ लाया बीच वाला e को रहने ई को यहाँ लाया आई को यहाँ लाया सी को यहाँ देखो तो मिलाओ तो यही तो नहीं किया यदि यही किया है तो सी आई आर E, L, e को आप यही करो आर इधर सी इधर आर सी आई ही होगा ई e, एल तो रहेगा सी हो जाएगा आर आई सी ई एल सी आर आई सी ई एल सी ऑप्शन मिलाइए ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन नंबर चौथा मजा ही मजा है आनंद ही आनंद है कोई दिक्कत परेशानी है किसी को ये तो चिन्ह बदलने वाला है टी का अर्थ घटाना है तो टी जहाँ पे घटा दो के का अर्थ भाग है के जहाँ पर है भाग दे दो जे का अर्थ गुना है तो जे जहाँ पर है गुना क्यों का अर्थ जोड़ना है जोड़ दो कैलकुलेशन कर दो छो, छो, छोटा मोटा कैलकुलेशन है मेरे शेर बहादुर ये सब तो आप जुबा पे कर लीजिएगा माइंड में कर लीजिएगा कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है चलिए छोड़ते हैं आ जाइए उनचालीस पढ़ते हैं उनचालीस में कथन पहले पढ़िए यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना है कथन पढ़िए कथा रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यंत चिंता है देखते होंगे कोई कोई प्रोडक्ट मार्केट में खूब चल रहा है फिर एक एकदम डाउन हो जाता है नहीं चलने लगता है उसके बारे में बोल रहा है कि रुझान में परिवर्तन जैसे लोगों के रुझान में परिवर्तन कभी किसी के प्रति रुझान है कभी किसी चीज़ के प्रति रुझान है सभी का एक समय रहता है तो रुझान में परिवर्तन के वजह से किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में भारी गिरावट हुई ये किसी कंपनी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है तो आप इसके लिए क्या वो करेगा सही कार्रवाई क्या होना चाहिए ये आपको देखना है बढ़िया से पहला कथन कहता है पहला निर्णय है कि उत्पाद का मूल्य कम कर दिया जाना चाहिए गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए लेकिन उत्पाद वही है तो वो तो उत्पाद के प्रति रुझान नहीं न लिख रहा है, है रुझान में कमी तो ये नहीं होना चाहिए कंपनी को ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करना चाहिए ये ज्यादा सटीक है कंपनी को मार्केट में क्या चल रहा है देखते होंगे जैसे कि हम लोग तो पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं यूट्यूब पे भी आते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा लंबा लंबा क्लास देने का प्रयास करते हैं लेकिन आप यूट्यूब पे भी मार्केटिंग को समझिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो छोटे वीडियो ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं या दुनियावी तौर की बातें हो गई मतलब ये सब चीज़ जो मनोरंजक टाइप की बातें होती है उस उससे लोग ज़्यादा जुड़ते हैं इसलिए आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स को देखिएगा ये पढ़ाते तो ही हैं उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स ऐसे रहते हैं जो उनके बारे में ये वो फलना ढिमका झुटमुट का लड़ाई झगड़ा ऐसा चीज़ जिससे कि लोग इंटरेस्टेड हों उनको जानो ये सब किया जाता है जानबूझ के जो रुझान है जो मार्केट का मांग है ठीक है ना तो वही चीज़ है तो यहाँ पे केवल दो होना चाहिए क्योंकि आप ग्राहकों की पसंद को समझे केवल निर्णय दो करता है आ जाओ मेरे बहादुर क्वेश्चन नंबर चालीस दिए गए विकल्पों मूल संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चाहिए के स्थान पे यहाँ पे आप देखिएगा हमें लग रहा है कि अल्टरनेट नहीं होना चाहिए चालीस एक इकतालीस एक बयालीस एक तैंतालीस तो अगला चौवालीस हो लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा अड़तालीस से सोलह हो गया नहीं लग रहा है कि भागा तीन कर दिया सोलह से आठ हो गया नहीं लग रहा भागा दो कर दिया तो भागा तीन भागा दो तो इस बार भागा एक होना चाहिए तो एक होगा तो ये भाट के जगह पर भी है ताकि आठे का यहाँ आठ आठ दूनी सोलह आठ थी सोलह तीन अड़तालीस और बाकी सब में तो एक एक बन रहा है यानी यहां पे हम सभी का आठ होना चाहिए क्या होना चाहिए मेरे बहादुरों आठ होना चाहिए ऑप्शन नंबर पहले बढ़े आगे तूफानी अंदाज में बढ़ते नंबर फ्रॉम द गि अल्टरनेटिव दैट कैन कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गि नंबर लेटर सीरीज दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई अक्षर अंक अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिहाट के स्थान पे आ सकती तो आप बढ़िया से देखिए तो आपको पता चलेगा क्या क्यू एस नहीं लग रहा है कि दो बढ़ा है फिर दो बढ़ा है फिर दो बढ़ा है तो दो बढ़ेगा तो, तो, तो बाई हो जाएगा लेकिन बाई ये तो पूछ नहीं रहा है अठारह में दो गया सोलह पहले दो घटा है फिर तीन घटा है तो निश्चित रूप से चार घटेगा तो चार घटेगा तो नौ होना चाहिए तो वाट के जगह पे नौ होगा तो देखना है स्तर को क्या बढ़ा रहा है क्या घटा रहा है आगे बढ़े बढ़े चले तूफानी तो अंदाज में उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला प्रहस्ट के स्थान पे तो डी है एफ है एच है जे है तो दो बढ़ गया तो बारह एल हो जाएगा अब एल से यदि एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन मार दीजिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं आंसर मार दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी तो अंदाज में क्वेश्चन नंबर तैतालीस शीतल पच्चीस मीटर पूरब की ओर चलती है चलिए देखते हैं पच्चीस मीटर पूरब की ओर मान लिया शीतल यहाँ पर है पच्चीस मीटर पूरब की ओर चलती है छोटा लेते पच्चीस मीटर पूरा पूरब इधर राइटे ना होगा पूरब राइट पूरब की ओर चलती है उसके बाद दाएँ मुड़ती तो है तथा पच्चीस चलती हैं पच्चीस दाएं पूरब जा रही है तो दाएँ नीचे और फिर दाई और मुड़ती तो है अब नीचे जा रही है तो दाएं इधर दाई और मतलब नीचे जा रही है तो दाएँ इधर और चालीस चलती है चालीस इसके बाद फिर से दाएं मूर्ति है अब इधर ही जा रही है तो दाएं मूर्ति और पच्चीस चलती है मतलब जस्ट इसके बराबर है पच्चीस मीटर अंत में बाईं बाई और मूर्ति और दस मीटर चलती है अंत में वह बाई और मुड़ी और दस मीटर शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है शीतल का आरंभिक स्थिति यह है यहां से कितना दूर है 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 सर पूरा तो तो वाला भाग पंद्रह दस तो पच्चीस मीटर दस मीटर अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में तो पश्चिम दिशा में तो पचीस मीटर पश्चिम दिशा में पच्चीस मीटर पश्चिम दिशा में पच्चीस अस्थिर से इस पर समय आपको देना पड़ेगा इस समय आपको देना पड़ेगा बढ़ते हैं तूफानी तो अंदाज में मेरे शेर शेरबा क्वेश्चन नंबर चौवालीस कहता है किसी निश्चित कुट भाषा में आ, ध्यान से समझिए इसमें लिखना नहीं है दो सौ संतावन को आई लाइक यू सात सौ छियालीस को यू आर गुड दो सौ तिरसठ को आई एम गुड आर का क्या होगा तो आई लाइक यू में आर है नहीं यू आर गुड में आर है बस आर सिर्फ दूसरा सेंटेंस में है तो कौन ऐसा कोड है जो सिर्फ दूसरा में है ये तीनों कोड मिलाइए सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए तो बोलिया कि सर जी आर के लिए जैसे सात तो सात यहां भी है यहां भी है चार तो और कहीं नहीं है, छे, छे यहां भी है, यहां भी है। तो आप दूसरा सेंटेंस में, में तो आर के लिए चार हो गया चार के लिए आर हो गया आर के लिए चार हो गया किसी को आपत्ति दिक्कत परेशानी तो बोली नहीं है तो लास्ट अंत भला तो सब भला मेरे शेर बहादुर अंत भला तो सब भला था उस विकल्प का चयन करे जो उसी प्रकार संबंधित है यहां इंच को सत्रह लिखा आखिर क्यों लिखा है सत्रह क्यों लिखा है तो मान लिया जाए कि नौ है प्लस चौदह है प्लस तीन है प्लस आठ मान लिया जाए तो कितना होगा चौदह और नौ तेईस और तीन छब्बीस आठ चौंतीस चौंतीस के आधा करेंगे तो सत्रह हो रहा है इसको भी आधा करिए पच्चीस प्लस एक प्लस अठारह प्लस चार तो पच्चीस एक छब्बीस छब्बीस और अठारह दे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चौवालीस और चार कितना हो जाएगा अड़तालीस अड़तालीस का आधा करेंगे तो चौबीस तो यार्ड को हम चौबीस लिख सकते यार्ड को हम चौबीस लिख सकते आई लाइक यू आई लाइक यू सर आई लव यू सर चलिए बढ़िया है जी सभी बच्चे को लव यू आज हम लोगों ने 50 रीजनिंग देखा अच्छा लगा है क्लास तो आप लाइक करिए दो चार पांच नए मित्रों को अपने अपने गांव में शेयर करें मज़ा आएगा आनंद आएगा सभी बच्चों साथ ही साथ मैं बता दूं वहां पे महाधमा का ऑफर जो है बहुत सारे बच्चों का मांग था कि सर व्यवस्था कारण हम कोर्स नहीं खरीद पाए तो कूपन कोड आर के यूज कर सकते हैं पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करें रजिस्टर लॉग करें आर के यूज़ करके सेवेंटी डिस्काउंट कल तक शायद है पंद्रह मार्च तक पंद्रह मार्च तक सारे बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं चाहे वो जीरो टू हीरो वाला बैच हो टारगेट बैच हो यूथ वाला मैथ्रीनिंग साइंस वाला बैच हो या जो भी हो उस पर आप डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए जैसे निन्यानवे पे हम सौ सेट दे रहे हैं सुपर थर्टी का मॉक टेस्ट भी उसमें भी आ, मतलब कि छोटा मोटा अमाउंट दे आप उस पर सेवेंटी डिस्काउंट है तो छोटा मोटा अमाउंट दे आप आ, कर सकते हैं जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है ये तो आप अपने भाई बहन को जरूर बैच परसेज करवाइए बाकी यूट्यूब पे सुबह में छः बजे जरूर मिलेंगे सिक्स ए एम मिलते हैं टी ट्वेंटी बीस मैथ बीस रीजनिंग के साथ जो एल पी के लिए जो आपको रेलवे के लिए भी एस एस सी एम टी एस के भी अब दृष्टि दृष्टि अब फिर आपको ये जी डी के भी उसे सभी को ध्यान में रखते हुए उसको सेट किया गया है और साथ ही साथ सुबह में भी छः बजे सुपर थर्टी अल्टरनेट आप चलाएंगे एस एस सी का और शाम में सुपर थर्टी uh, uh, इसका रेलवे का इसका सुपर फोर्टी फाइव नेक्स्ट सेट सातवा एपिसोड चलेगा uh, साढ़े सात बजे शाम को कल तैयार रहिएगा सभी दोस्तों के साथ मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए धन्यवाद बेस्टअप का गॉड ब्लेस यू बुद्ध की पवित्र धरती से प्रणाम बहुत है डांस देखने चलिएगा सर बढ़िया बात